किसी ने सच ही कहा है, भारत गांवों की धरती है और किसान देश की आत्मा है। हमारे देश में खेती को पेशा माना जाता है। अगर हम इस तर्क से देखें तो देश के किसानों को सुखी समृद्ध होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आए दिन किसानों को खेती से जुड़ी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर कुर्सी पर बैठे हुक्मरान, किसी न किसी रूप से किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया है। ताजा मामला नाथनगर प्रखंड के शाहपुर दियारा क्षेत्र की है, जहां हजारों एकड़ में लगे मक्का की फसल में खतरनाक अमेरिकी कीड़ा फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिससे कि इलाके के किसानों में रोजी रोटी का आफत आन पड़ा है। पहले बाढ़ फिर सुखाड़ की मार झेलने के बाद अब कीट के प्रकोप से दियारा क्षेत्र में तकरीबन हजारों एकड़ में लगा मक्का का फसल बर्बाद होने के कगार पर है। किसानों से कि क्या नुकसान हो रहा है उनको इस कीड़े से? इस कीड़े से तो फसल जो है सो बर्बाद हो रहा है, हर पत्ते में छेद हो रहा है, हर गब्बा सूख रहा है, जिसके चलते ही सूखने के चलते ही जितने खेत में फसल लगा हुआ है वो आस्ते आस्ते सब सूख के बर्बाद हो जाएगा और एक भी फसल नहीं होगा। इस बार कितने का नुकसान हो रहा है? इस बार हमको तो लगता है कि कम से कम जो है सो हमको नुकसान जो है सो कम से कम जो है सो 20 लाख का है। इस बार जैसे बाढ़ पीड़ित बाढ़ जैसे आया था उसका आप लोग सरासदी झेल रहे हैं, इसके बाद ये फसल का नुकसान कैसा क्या है? अरे सरकार क्या मदद करेगी नहीं करेगी, एक तो हम पट्टे पर खेत 30 एकड़ जो है सो हम पट्टे पर खेत लिए हुए हैं। टोटल 10 एकड़ में कितना नुकसान है आपको इसके लिए? नुकसान समझिए अभी तक 75% नुकसान कर दिया मकई का। इससे सरकार से कोई लाभ या फिर? कहीं कोई लाभ नहीं मिला है। ये थोड़ा सा उस कीड़े के बारे में बताइए कि क्या परेशानी करता है वो कीड़ा? वो जो कीड़ा है तितली टाइप का, पहले देखे जहाँ बैठ गया वो अपना अंडा उस पर छोड़ दिया। अंडा छोटा अंडा समझिए 300 से 400 होगा एक पत्ता पर, वही धीरे धीरे 5-7 रोज में वो कीड़े का रूप ले लेता है। खेती में तो दिक्कत है, हम लोग एकदम ख़त्म हो गए, एकदम भूखे मरेंगे। ऐसा हालत हो गया कि एक पैसा भी खेती में नहीं, जो लगाए पूंजी घर में अब नहीं है। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे? खेत आते हैं रोते रोते घर जाते हैं, घर में भोजन नहीं करते हैं, ऐसा हालत है। की बार जहाँ खेती करने है कि यहाँ कीड़े खा रहा है, हम से सोचे हैं कि जहाँ आपकी बार फसल काटेगा तो बेटी सबको शादी करेंगे और तुआई कीड़ा लग रहा है तब क्या करेंगे? गरीब आदमी है, कर्जा उठा उठा को कर रहा है। 30 बीघा खेत मैंने पट्टे पर लेकर खेती करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों का दर्द देखने को मिल रहा है। नाथनगर से सुमित कुमार शर्मा, सिल्क टीवी, भागलपुर। अपनी लहलाती फसल को अचानक मूर्छित होता देख किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचती जा रही है। अपनी बदहाली सुनाते हुए कई किसान भावुक हो गए। अन्नदाता का कहना है कि 2 माह पूर्व में ही बाढ़ की विभीषिका झेलने के बाद कर्ज लेकर मक्का का फसल लगाया था। फसल से मिलने वाली रकम से ही घर का खर्चा और बेटी की शादी और बैंक का कर्ज भी चुकाना पड़ता है, लेकिन वर्तमान हालात को देखकर लगता है कि अब घर में रोजी रोटी पर भी आफत आने वाला है। आने उसकी बात बताई गई है, उसको जांच करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। यदि इस तरह की बात आएगी तो एक तो सबसे पहले तो उस पर पेस्टिसाइड की आवश्यकता होगी, उसके बावजूद यदि कोई कहीं पर भी फसल नष्ट होने की बात सामने आती है तो उसको हम लोग उसका कैलकुलेशन कराएंगे, उसका असेसमेंट करा के आवश्यक कार्रवाई कराएंगे।